हेलो स्टूडेंट, आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो उसके आगे बाकी बच गए थे। कुछ एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, इनको देखते हैं। देखो रेशियो के आपको 18 तक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, 19 क्वेश्चन ये थोड़ा सा टफ है, इसको मैं करवा देता हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि ABC तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2:1 दिया हुआ है। तो ये आपके ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। डी आपके न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो डी को जो शेयर मिल रहा है वो किस हिसाब से मिल रहा है, तो इस लैंग्वेज पे थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे। ये बोल रहा है डी एक्वायर 1/4 ऑफ हिज शेयर। क्या बोला कि डी जो है वो 1/4 शेयर लेगा। किसका 1/4? आज मैं तुम्हें बोल दूं कि मैं तुम्हें 25% दूंगा, आप बोलोगे सर 25% ठीक है, लेकिन किस चीज का 25%? एक अमाउंट या कोई चीज तो बताओगे कि उसका 25% या उसका 1/4, ठीक है ना। तो यहां पे ये बोल रहा 1/4 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर मतलब डी अपने हिस्से का 1/4 भाग किससे लेगा, ए से लेगा, ठीक है। डी एक्वायर 1/4 ऑफ हिज शेयर किससे लेगा, फ्रॉम सी, मैंने लिखा नहीं यहां पे, फ्रॉम सी, सी से लेगा भाई, ठीक है। वापस देखना लाइन को, ये बोल रहा है डी एक्वायर 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सी, सी से लेगा कितना, 1/4। किसका 1/4? डी के शेयर का 1/4। क्या डी का शेयर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, कैसे निकालेंगे देखेंगे। आगे ये बोल रहा है एंड ए सरेंडर 3/10 ऑफ हिज शेयर। ए जो है वो देगा, सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 3/10। तो वो तो अपन निकाल सकते हैं कि सर ए का जो शेयर है वो कितना है कि 3/6 है, इसका 3/10 अपन निकाल लेंगे, 9/60 आ जाएगा। बी जो दे रहा है, बी सरेंडर 1/10 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। अब देखो सीधा सा हमारा फंडा यही है कि न्यू रेशियो, हम हमारा आंसर जो करते हैं न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला हमारा एक ही होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, यही करते हैं अपन, ओल्ड माइनस सेक्रीफाई रेशियो। ओल्ड में से सेक्रीफाई माइनस कर दो तो क्या आ जाता है, न्यू आ जाता है। तो अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे ये ए बी सी और डी का न्यू रेशियो निकाल रहे हैं। तो ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ है 3/6 दिया हुआ है, 2/6 दिया हुआ है, 1/6 दिया हुआ है, ठीक है। माइनस करते हैं सेक्रीफाई रेशियो, तो सेक्रीफाई रेशियो कोई चीज़ है जो दिया हुआ है सरेंडर शेयर, वो सेक्रीफाई है या नहीं है, तो वो तो अपन को पता तभी चलता है जब सरेंडर शेयर की टोटल न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर दिया हुआ नहीं है, मतलब ये सरेंडर शेयर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप मिल कैसे करोगे। तो सरेंडर शेयर यानी कि सेक्रीफाई रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। ये मैं यहाँ पे सेक्रीफाई रेशियो निकाल रहा हूँ, सेक्रीफाइस रेशियो किस हिसाब से निकाल रहा हूँ, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलेंगे भाई। भी सीधी सी बात है, सेक्रीफाई मतलब दिया, ए ने जो दिया, बी ने जो दिया, सी ने जो दिया, ये तो सेक्रीफाई रेशियो है, ठीक है ना। तो ए ने कितना दिया, बी ने और सी ने, ए कितना दे रहा है यहाँ पे दे रहा है ए 3/10 दे रहा है ऑफ हिज शेयर, ए के शेयर का 3/10 भाग। तो ए का शेयर कितना है, 3/6, 3/6, इसका कितना 3/10 दे रहा है, मतलब ए ने कितना दिया 9/60। ऐसे ही सेम बी कितना दे रहा है, बी सरेंडर 1/10 ऑफ हिज शेयर, बी का शेयर कितना है 2/6, इसका कितना दे रहा है 1/10, मतलब बी कितना दे रहा है 2/60। लेकिन सी कितना दे रहा है, सी दे रहा है डी का जो शेयर है उसका 1/4। देख लो बोले यहां पे क्या बोल रहा है, डी एक्वायर मतलब डी लेता है 1/4 भाग ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर डी अपने हिस्से का 1/4 भाग किससे लेता, फ्रॉम सी से, मतलब सी ने दिया, सी ने कितने दिया 1/4 भाग, डी के हिस्से का 1/4 भाग। लेकिन समस्या हमारे यही है कि डी का यहां पर शेयर नहीं दिया हुआ है भाई,
तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो गए, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि हमें अच्छी तरह से पता है, इधर मैं कर रहा हूँ साइड में, कि ए देगा प्लस बी देगा प्लस सी देगा इक्वल टू डी, मतलब ए ने जो दिया डी को प्लस बी ने जो दिया डी को प्लस सी ने जो दिया डी को, वो डी के टोटल शेयर के क्या होगा, बराबर। तो ए और बी कितना दे रहे हैं, ए और बी ने ये दिया यहाँ पे 9 और 2 11/60, ए और बी ने कितना दिया 11/60। प्लस सी कितना दे रहा है, सी कितना दे रहा है, सी का शेयर हमारे पास है नहीं। तो देखो एक चीज अपन जानते हैं कि ए और बी, मान लो कि इसका टोटल शेयर अपन कितना मान लें, 1, इसका टोटल शेयर कितना मान लें, 1, माना डी का टोटल शेयर कितना, 1। सी ने कितना दिया, सी देगा डी का 1/4 भाग, तो 1 का 1/4 भाग अगर आप निकालोगे, सर 1/4 ही तो होगा, 1 को कितने से गुणा करो, उतना का उतना ही आना, ठीक है। तो डी सी कितना दे रहा है 1/4, तो ए और बी ने कितना दिया 3/4, क्योंकि टोटल तो 1 होनी है ना दोनों की। एक तो तरीका ये है, ये एजम्पशन ले रहा हूं मैं कि डी का माना कि टोटल शेयर कितना है 1, तो सी कितना दे रहा है डी का 1/4 भाग, तो बाकी का किसने दिया, ए और बी ने, तो ए और बी ने कितना दिया 3/4 भाग। तो मैं अब कह सकता हूं, देखो भाई 3/11/60 भाग देता है कौन, ए और बी, बटे हुए 3/4 के रूप में, ठीक है। तो देखो डिवाइड के नीचे डिवाइड आ जाता है, तो इंटू में कन्वर्ट हो जाता है अभी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इंटू 4/3। तो ये फर्म का टोटल, यानी कि इसका डी का टोटल शेयर आ गया, तो डी का टोटल शेयर इंटू करोगे सी ने कितना दिया 1/4, तो 1/4 से, तो आपके क्या आ गया 11/180, ठीक है। मतलब सी कितना दे रहा है डी को 11/180, ठीक है, 11/180। एक तो तरीका ये है, ठीक है। अगर ये तरीका आपके समझ में नहीं आता है, आपको थोड़ा सा टिपिकल लगता है, वैसे तो सीधा सा है, 3/4 को आप 75% बोलते हो, 1/4 को आप 25% बोलते हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 11/60 है, बटे हुए 75% के रूप में, तो इंटू 25% के रूप में कितना होगा, वही डिवाइड के नीचे डिवाइड आ गया, तो इंटू में कन्वर्ट हो गया, तो 11/60 इंटू 75 डिवाइड बाई 25, 75/100, ठीक है। ये 75% का मतलब क्या हो गया, 75/100, तो 100/75 हो गया, ठीक है, इंटू 25/100, 100 से 100 गया 1, ठीक है, 3 11/180, सेम ही है, ठीक है। अगर ये वाला तरीका आपके फिर भी समझ में नहीं आया, तो देखो इसका एक तरीका है, ए और बी प्लस सी इक्वल टू डी, ये तो अपन को करना ही पड़ेगा, ठीक है। ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया कि 11/60 दिया, प्लस सी ने कितना दिया पता नहीं, डी का टोटल शेयर मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। तो सी ने कितना दिया, डी के हिस्से का 1/4, तो एक्स का 1/4, तो एक्स बटे वे चार, ये आपके एक इक्वेशन बन गया, इसको सोल्व कर लो, ठीक है। तो एलसीएम ले लिया मैंने कितना, 60 एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो 60 में डिवाइड किया 60 से, तो 1 × 11 11 + 15 × x, 15x = x, ठीक है। इस 60 को इधर, इस 15 को भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये इक्वेशन में इधर आगे चला रहा हूँ, तो ये हो गया 11 + 15x = 60x, ठीक है। इस 15 को इधर ट्रांसफर किया, तो 11 = 45x, ठीक है। इस x को वापस इधर लेके आगे, तो 11/45 = x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11/45, ठीक है। तो 11/45 किसकी वैल्यू आ गई, x किसको माना था, d के शेयर को, तो d का शेयर कितना माना, 11/45, ठीक है। अब देखो ये कितना दे रहा है, 1/4, ठीक है। तो इंटू करो 11/45 को 1/4 से इंटू करो, 11/180 आ गया, समझे, ठीक है। तो ये आपकी 11/180, ठीक है। तो ये ए ने सेक्रीफाई किया, ये बी ने सेक्रीफाई किया, ये सी ने सेक्रीफाई किया, ठीक है। माइनस कर दो, तो माइनस करोगे 9/60,
माइनस करोगे 2/60, माइनस करोगे 11/180, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम में 180 ले रहा हूँ सब गई, ताकि रेशियो में बाद में अपन को बराबर नहीं करना पड़े, ठीक है ना। 6 से डिवाइड करो 180 को, 30 × 3 = 90, माइनस 60 से डिवाइड करो 3 × 9 = 27, तो 63/180, ठीक है। ऐसे ही 6 से डिवाइड करो 30 × 2 = 60, माइनस 60 से डिवाइड करो इसको 180 को, 3 × 2 = 6, तो आपके कितना हो गया 54/180। 6 से डिवाइड करो 30 × 1 = 30 - 11 = 19/180, ठीक है। तो ये ए का न्यू रेशियो आ गया, ये बी का आ गया, ये सी का आ गया, और डी का शेयर कितना है, ए ने जो दिया बी प्लस सी, तो ए ने दिया, बी ने दिया प्लस सी ने दिया इक्वल टू डी का शेयर। तो डी का शेयर वैसे तो अपन ने निकाल लिया था, डी का शेयर कितना था 11/45 निकाला था ना अपन ने। एक्स की वैल्यू किसको मानी थी, डी के शेयर को ही मानी थी, तो अपन ने 11/45 कितने से इंटू करूँ कि 180 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 4 से, तो 44/180, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का, यानी कि 19 क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब तो आ गया, हो गया मेरे हिसाब से समझ में। अब कुछ एक मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चन लिख रखे हैं, इनको अपन सोल्व करते हैं। कि क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, कैपिटल ऑफ द फर्म 180 है, 180,000, रेट ऑफ रिटर्न 12% दी हुई है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 24,000, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड से आपके गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। जैसे ही आप गुडविल की वैल्यूएशन करते हो, जिस मेथड से करनी है उसका फॉर्मूला लगा दो। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, आप लिखोगे सुपर प्रॉफिट × 100/rate, ये लिखते हो सुपर प्रॉफिट × 100/rate। अब आप बोलोगे सर सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करोगे, कि एवरेज प्रॉफिट माइनस, एवरेज प्रॉफिट माइनस जो भी रिटर्न दिया हुआ है तो रिटर्न माइनस कर दो, रेमुनरेशन दिया हुआ तो रेमुनरेशन माइनस कर दो, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ तो नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, तीनों दिए हुए हैं तो तीनों माइनस कर दो। तो हमें केवल एक ही चीज़ दी हुई है, एवरेज प्रॉफिट के साथ क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो माइनस करेंगे अपन रिटर्न, रिटर्न इसमें से माइनस करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है 24,000 रुपीज़, माइनस रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न कितना है ये 12% है, किसका 12%, जो आपकी कैपिटल है उसका 12%। तो 180,000 का 12% निकालो, 180 का 12% कितना होता है 18,000, और 18 × 3 = 21,600 रुपये, ये माइनस कर दो तो आपकी कितना बच गया भाई 2400 रुपये। तो 2400 रुपये आपके क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो 2400 रुपये सुपर प्रॉफिट आ गया इंटू रेट, रेट कितनी है इंटू 100/rate, रेट कितनी है 12, 12 से डिवाइड करोगे 2, तो आपके कितना आ गया 20,000, ठीक है। 20,000 आपकी क्या आ गई, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है भाई, आराम से कर लोगे। हमने क्या किया कि जो अगले ने पूछा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है कैसे करनी है, कि कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला लगाया सुपर प्रॉफिट इंटू 100/rate। अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न माइनस कर दी, एवरेज प्रॉफिट 24,000 दिया हुआ माइनस रेट ऑफ रिटर्न 180,000 का 12%, ठीक है। तो 180,000 का 12% 21,600 माइनस कर दिए 2400 रुपये, और फॉर्मूले में लगा दिया सुपर प्रॉफिट 2400 × 100/rate, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं। इसके अंदर बोल रहा है देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ए और बी पार्टनर है एक फर्म में, कैपिटल एम्प्लॉयड इनका दिया हुआ है 5,00,000 रुपये, कैपिटल एम्प्लॉयड 5,00,000,
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना दे दिया, 10,000 दे दिया। सैलरी ऑफ ईच पार्टनर, कभी कभी वर्ड अपन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं। सैलरी का मतलब रेम्यूनरेशन ही है भाई, आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया होगा। रेम्यूनरेशन एक रिवॉर्ड है जो पार्टनर को उनके वर्किंग पे दिया जाता है, जिसको अपन सैलरी नाम दे सकते हैं, उसको बोनस कह सकते हैं, उसको अपन कोई फीस के नाम से दे सकते हैं, कोई कमीशन के नाम से दे सकते हैं, ठीक है। तो सैलरी आपकी क्या है, पार्टनर का रिवॉर्ड है। रेम्यूनरेशन है तो एक पार्टनर का रेम्यूनरेशन कितना है साल भर का, 8,000, तो दोनों पार्टनर का कितना हो गया, 16,000। इसीलिए ऊपर दिया हुआ है पार्टनर कौन है, दो है, ए और बी है, ठीक है ना। तो सैलरी भी दी हुई है, यानी कि रेम्यूनरेशन, एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है और रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है। आपको क्या करना है, वही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है भाई, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे गुडविल निकालने का, वही अपना तरीका, गुडविल निकालने का फॉर्मूला हो गया आपकी क्या, सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, कि वही एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करोगे क्या क्या दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट के बाद में। एक तो रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, रिटर्न किसका निकलता है, कैपिटल इंप्लॉयड का, तो कैपिटल आपके 5,00,000 का 10% कितना, 50,000। तो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करोगे रिटर्न, रिटर्न माइनस करोगे, एक रेम्यूनरेशन भी दिया हुआ है, रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ आपके, एवरेज प्रॉफिट 1,00,000 होना चाहिए शायद, 10,000 ही कैसे लिख रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9th क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट 80,000 है। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ अभी, 80,000 है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आपके 80,000 दिया हुआ है, माइनस रेट ऑफ रिटर्न 5,00,000 का 10% कितना हो गया, 50,000, माइनस रेम्यूनरेशन 8,000 एक पार्टनर को साल का पर एनम, साल भर का आपकी कितना दिया जाता है 8,000, तो दोनों पार्टनर को कितना हो गया, 16,000 रुपये, ठीक है। तो 80,000 में से 66,000 माइनस कर दोगे तो 14,000, ये आपके क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया अभी, ये आपके क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपके कितना आ गया, 14,000 इंटू 100 अपॉन रेट कितनी है, 10%, तो आपके कितना, 1,40,000 वैल्यू किसकी आ गई, ये गुडविल की वैल्यू आ गई भी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया। 10th क्वेश्चन दिया हुआ है एडजस्टमेंट कैपिटल, ये सॉरी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई 30,000 एंड 25,000, जेड ब्रिंग इन एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर, जेड आपके 1/4 शेयर के लिए कैपिटल लेके आ रहा है, एक्स और वाई की कैपिटल दी हुई है, जेड कैपिटल लेके आ रहा है, जेड कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, 25,000 रुपये, ठीक है, कितने रुपये लेके आ रहा है, 25,000, क्वेश्चन में लिखा नहीं था मैंने। एडजस्टमेंट, ये एडजस्टेड कैपिटल दी हुई है एक्स और वाई की 30,000, 25,000, जेड की कैपिटल भी दी हुई है 25,000 रुपये। पूछा क्या है कि वैल्यूएशन करनी है गुडविल की। अब भाई गुडविल की वैल्यूएशन करने के मेजर दो मेथड बताए थे, एक तो बेस ऑन प्रॉफिट, एक बेस ऑन कैपिटल। बेस ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट के बेस पे दो टाइप बताए थे मैंने, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे सिंपल और वेटेड, सुपर प्रॉफिट के बेस पे बेस ऑन परचेज ईयर, कैपिटलाइजेशन और एन्युटी मेथड, ठीक है ना। एक इधर बताया था मैंने, कैपिटल के बेस पे गुडविल निकाली जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हिडन गुडविल, मतलब ये कैपिटल में, पूंजी में छुपी हुई रहती है, तो अपन को ढूंढ के निकालना है। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला आपके क्या होता है, हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। क्या होता है, एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कैपिटल का फॉर्मूला, ये हिडन गुड, एस्टिमेटेड कैपिटल का आपके फॉर्मूला क्या होता है, कि शेयर ऑफ न्यू पार्टनर अपॉन शेयर ऑफ
ये कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर अपॉन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ये आपके एस्टिमेटेड कैपिटल निकल जाती है। इसमें से माइनस कर देते हो आप एक्चुअल कैपिटल, इसमें से क्या माइनस कर देते हो, एक्चुअल कैपिटल माइनस कर देते हो तो आपके क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। ठीक है, तो एस्टिमेटेड कैपिटल निकालते हैं। वैसे एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछता आपसे हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या है, तो अगर आप ये फॉर्मूला लिख के आते हो तो भी आपके सही है कि कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर अपॉन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर माइनस एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म पूरा लिख देना, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म की एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, और अगर आप ये लिख के आते हो एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल तो भी ठीक है। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है भाई, 25,000 है, अपॉन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है, 1 डिवाइड बाई 4, तो डिवाइड के नीचे अगर डिवाइड आ जाता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू में। तो ये तो हो गई आपके एस्टिमेटेड कैपिटल, माइनस कर दो इसमें से एक्चुअल कैपिटल। अब एक्चुअल कैपिटल क्या है, तो एक्चुअल कैपिटल जो क्वेश्चन में दी हुई है, एक्स की कैपिटल कितनी 30, वाई की कैपिटल कितनी 25 और जेड की कैपिटल कितनी 25,000। ठीक है, तो 30,000 एक्स की प्लस 25,000 वाई की प्लस 25,000 रुपए जेड की, ये जो कैपिटल दी हुई है क्या दी हुई है, एक्चुअल कैपिटल। अब कर लो सोल्व, 25,000 इंटू 4 करोगे तो 1,00,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल कितनी हो गई 80,000, तो रिमेनिंग कितना बचा 20,000, तो ये आपके क्या आ गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है भाई, तो ये आपके गुडविल की वैल्यूएशन आ गई इतने। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप कर लोगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, और बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब अपन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी आपको बता दी थी, अब मैं आपको बताऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इन क्वेश्चन को आप कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।